फाइनली आरबीआई ने एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के मर्जर को अप्रूवल दे दिया है। लेकिन ये कहानी शुरू होती है 1977 से, जब एचडीएफसी लिमिटेड बनाया गया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन फोकस था होम लोन डिस्ट्रीब्यूशन पर। धीरे धीरे करके एचडीएफसी लिमिटेड ने इतना ग्रो किया कि साल 1994 में इन्होंने एचडीएफसी बैंक की फाउंडेशन की। उसके बाद से लगातार ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी फील्ड में टॉप रैंक पर रही। जैसे एचडीएफसी बैंक इंडिया का लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक बना, वहीं एचडीएफसी लिमिटेड इंडिया की टॉप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बनी। फिर अप्रैल 2022 में आरबीआई के पास एक प्रपोजल आता है कि एचडीएफसी ग्रुप एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का एक मर्जर करवाना चाहता है। अब इस मर्जर से एचडीएफसी बैंक की बैलेंस शीट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी और एचडीएफसी बैंक फोकस कर पाएगा देश के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फंडिंग पर।